विद्यार्थी मित्रों, गुड आफ्टरनून। आज हम कक्षा 6 विषय हिंदी विषय इकाई 7 बुझो तो जाने पहेलियां हैं मित्रों। पहेलियां बुझाने और सुलझाने मतलब समझाने, समझने या समझाने, मजेदार लगती है। गुजराती की परिभाषा में पहेलियां का मतलब कोयडो थाय छे। तो तमे विद्यार्थी मित्रों कोयडाओ घणा सांभळ्या छे, कोयडाओना जवाब पण आपता हो छो। तो आज हम ऐसी पहेलियां के बारे में पढ़ेंगे कि पहेलियां जीवन के लिए एक मनोरंजन का कार्य करती हैं और साथ में हमारी जो विचारधारा है ये विचारधारा को आगे बढ़ाती हैं। विचारधारा को आगे बढ़ाती है, हमारी शक्तियां प्रबल होती है, हमारा मस्तिष्क विचारों की देन है और विचार के से वह कैसा ही प्रश्न क्यों न उपस्थित हो जाए फिर भी प्रश्न के उत्तर देने के लिए हमारा मन या मस्तिष्क हमारा और सोचने के लिए आगे बढ़ती है। हमारे जीवन को आगे बढ़ाने के लिए विचार अवश्य होना चाहिए। विचारों की धारा जिसकी तेज है वह तुरंत उत्तर दे सकते हैं। या देखते हैं मित्रों, आप सब हमारी पुस्तिका में इकाई 7 में जो हमें चित्र भी दिए हैं और ऐसी पहेलियां भी दी हैं, पहेलियां को देखकर उत्तर देने हैं। पत्थर का मन ऊंचा है, मन उगते पेड़ घन सारे, नदियां झरने के उद्गम हम भूतल के हैं रखवारे। तो इन पंक्तियों में हमें बताना चाहता है कि पत्थरों जो हैं, पत्थरों से बना बहुत बड़ा ऊंचा, और उस पत्थरों में कई तरह तरह के वृक्ष, घना जंगल, जैसे कि हम जूनागढ़ में जो गिरनार पर्वत हैं तो उसे देखते हैं तो इन पर्वत पर बहुत बड़े घने पेड़ दिखाई देते हैं और उसका मन बहुत ऊंचा होता है और उस पत्थरों पर पेड़ उगते हैं। घन जैसा जंगल हमें दिखाई देता है और कहा जाता है यहाँ नदियों झरनों के उद्गम हम, तो कहा हमने सोचा है समझा है, शायद तुमने बालाराम देखा हो तो उसमें जो पर्वत हैं इस पर्वत में से ऐसे झरने बहते हैं, बहुत बड़े हिमालय जैसा पहाड़ है वहाँ भी इसमें से नदियों का जन्म होता है, इसीलिए तो नदियों का यानी कि जन्म का उद्गम स्थान माना जाता है। तो नदियों और झरनों का उद्गम स्थान है और वह जो है वह पूरी भूतल यानी भूमि की रक्षा करता है। तो उसका उत्तर सभी छात्र बता सकते हैं, उत्तर आता है पर्वत। क्या आता है पर्वत, याद रहे। दूसरा, स्वयं न पीती प्यासी रहती, देती जल भर को पानी, खेत सींचती नाव चलाती, बहती हूँ मैं मनमानी। तो इन पंक्तियों में कहता है कि स्वयं न पीती प्यासी रहती, या खूब शायद बच्चे पढ़ चुके हैं, हमारी पुस्तिकाओं में भी हमें पढ़ने का
जो लगाव है तो हमने देखा है, सोचा है, समझा है, पढ़े हैं कि इन पंक्ति में कहा है स्वर्ग न पीती, पानी खुद पीती नहीं है और वह सारे जग को पानी देती है, पूरे संसार को पानी देती है। और जो संसार पर जो खेत है, ये खेतों में वह पानी सींचती रहती है और वह कहती है कि जो नदी है, तालाब हैं, बड़े बड़े तालाब, समुद्र, उसमें वह नाव चलाती है और वह खुद अपनी मनमानी से बहती रहती है। तो ये पंक्तियां पढ़कर छात्र तुम सबको उत्तर दे पाएंगे। इसका अर्थ होता है नदी, तो नदी में नदी जो है वह खुद पानी पीती नहीं है और वह प्यासी रहती है, देती जगभर को पानी, पूरे संसार को वह पानी देती है और सारे खेत जो है एक खेत में उसका पानी वह सींचती रहती है। तीसरा है फल देकर सफल हुए हैं, हरियाली फैलाते हैं, फूल फली जड़ साल बीज दे सबको सुखी बनाती है। तो इन पंक्तियों में हमें कहना चाहती है कि शायद तुम्हें पता होगा कि फल फूल वृक्ष पर पैदा होते हैं और वृक्ष में जो फल फूल हैं, ये फल फूल हमें अच्छे ढंग से देकर वह पूरे विश्व में पूरे संसार को फल फूल देकर खुद वह सफल होती है और चारों तरफ हरियाली हरियाली साई है। अगर कहीं भी वृक्ष न हो या पेड़ न हो तो पेड़ से वह कहीं भी हमें हरियाली नहीं दिखाई देती। जैसे कि जंगल वन जो हैं, ऐसे जंगलों में हम देखते हैं तो इतनी हरियाली साई हुई है, इन हरियाली से तो बादल और बरसा आने के लिए, बरसा आने के लिए उसका बहुत बड़ा मूल्य है। तो इस तरह वह फूल फल देकर और चारों तरफ हरियाली फैलाती है और फूल फली जड़ साल सबको फूल देती है, फल देती है और छान बीज से पूरे संसार को सुखी बनाती है। और सबको सुखी बनाने के लिए हमें पेड़ का बहुत बड़ा मूल्य है। तो छात्रों इसका उत्तर देना है वृक्ष, क्या आएगा वृक्ष। देखते हैं हम दोनों हैं पक्के मित्र, करते रहते काम विचित्र, पांच पांच सेवक हैं साथ लेकिन करते कभी न बात। तो इन पंक्ति में हमें बताना चाहता है कि हम दोनों पक्के मित्र हैं। हे मित्रों तू सब जानते हैं उसको, अरे हर दफे हर वक्त हर क्षण वह तुम्हारे साथ रहता है, हर पल पर। और दोनों हम जानते हैं, दोनों सब काम करते हैं। देखो मेरे मेरे मैं जो तुम्हें बता रहा हूँ, देखो उसके सेवक भी पांच है, पांच पांच सेवक हैं उसके और दोनों हर तरफ के काम करते रहते हैं और साथ लेकिन कभी न मिलता और कभी न करता बात, और दोनों एक होकर कभी बात करता नहीं है। मित्रों तो तुम देखो मेरे मेरा जो इशारा है, इस इशारे मेरे संकेत पर देखो, ये पांच सेवक है और ये कहा जाता है ये दोनों हाथ। तो उसका उत्तर आएगा दोनों हाथ, दो हाथ। कभी हूँ पतला कभी हूँ मोटा, कभी गेंद जैसा हूँ, मेरा कोई मेरी कोई बहन नहीं पर बच्चे को बच्चे का मामा। तो इन पंक्ति में मित्रों बताना चाहता है कि इस पंक्ति में कहा है कि कभी मैं पतला हो जाता हूँ, कभी मोटा कहलाता हूँ, कभी गेंद जैसा करता हूँ या दिखता हूँ। इन पंक्ति में कहता है कि वह मेरी कोई बहन नहीं है और सभी तुम सभी छात्र जानते हो जब दिन में उजाला होता है
तो उजाला देने वाला सूर्य होता है। इसी तरह रात को जब रात आती है और रात में जब उजाला न हो तब उजाला देने वाला जो है वह सभी छात्र उत्तर दे पाएंगे कि वह कभी पतला है, कभी मोटा है, कभी गेंद जैसा है और उसकी कोई बहन नहीं है, फिर भी बच्चे जो हैं पूरे संसार के बच्चे उसे मामा कहकर पुकारते हैं। तो तुरंत छात्र उत्तर दे पाएंगे चांदा मामा ऐसा कहेंगे तो यहाँ चांद आएगा। क्या आएगा? चांद। बड़े सवेरे उठती हूँ मैं, सैर गगन की करती हूँ मैं, आलस सुस्ती तनिक न करती, हर दम ही कुछ करती हूँ मैं। इन पंक्ति में है छात्रों, आप ध्यान रखना है कि बड़े सवेरे उठती हूँ, शायद तुम सोते हो तब तुम्हारे घर के आंगन में ची 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 करके वह आ जाती है, आवाज देती है और वह बड़े सुबह सवेरा जब होता है इससे पहले वह उठ जाती है और आकाश में वह सैर करती है। आकाश में सैर करके बहुत दूर तक जाती है, बहुत दूर तक जाकर वह लौटती है और गगन की सैर करती है, मतलब आकाश की सैर करती है। आलस सुस्ती तनिक न करती, वह कभी आलस नहीं रखती, हर दम हर क्षण हर पल वह कुछ न कुछ अपना काम करती रहती है। तो इसका अर्थ है चिड़िया। क्या है? चिड़िया। चिड़िया मतलब अपने गुजराती मायने चकली गई है। मित्रों देखते हैं कि अंतिम जो है, तन है मेरा हरा भरा, रस से रहता सदा भरा, भीतर से मैं हूँ लाल, क्या समझा कर पूछूं हाल। तो मित्रों बाजार में तुम आते जाते रहते हो, बाजार में आते जाते के बाद जब धूप का वक्त आता है, मतलब धूप की ऋतु आती है, तो इन धूप की ऋतु में उसका बहुत उपयोग किया जाता है। तुम सोचो और विचार, इसीलिए तो पहेलियों को हमारे लिए विचार की बात की गई है। हमारा मस्तिष्क विचार करता है और सोचता है, जब सोचता है तो संसार में वह बढ़ता रहता है। इसी तरह यहाँ इस पंक्ति में कहा है कि तन है मेरा हरा, तन मतलब अंग शरीर, तो उसका जो शरीर है वह शरीर जो है वह हरा भरा है, रस से रहता सदा, और उसमें पूरा उसका तन रस से भरा हुआ है, हर दम भरा है, सदा भरा। भीतर से मैं हूँ लाल। मित्रों आप सब बता सकते हैं कि जब उसे तुम काटते हो तब उसमें से लाल नहीं दिखाई देता है और लाल निकलता है, प्यास बुझाकर पूछूं हाल। जब कहता है कि प्यास बुझाकर वह धूप में गर्मी की ऋतु में वह सबकी प्यास बुझाता है, तो मित्रों हर जगह हर वक्त गर्मी की ऋतु में हमें बहुत पसंद आता है, तो उसको बोलते हैं तरबूज। तो हिंदी में तरबूज कहते हैं, याद रहे, इसमें जब कहेंगे तरबूज शब्द गुजराती है, याद रहे मित्रों, जब तरबूज बोलते हैं चाहता है तो गुजराती अर्थ है तरबूज हिंदी में। तो ऐसी पहेलियां सभी छात्र लिख कर लाएंगे और तुम्हें अभ्यास और स्वाध्याय में प्रश्न के उत्तर देना है कि बहुत सवेरे चिड़िया क्या करती है। तो बहुत सवेरे चिड़िया उठकर उठती है और पूरे आकाश में गगन या सैर करती है। किसको दो पक्के मित्र बनाए बताए हैं
तो ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं तो उत्तर देते हैं कि हमारे जो दो हाथ है वह पक्के मित्र की तरह है। मित्र तो हम भी जानते हैं कि वृक्ष जो है यह सब कुछ देता है। इस तरह कई पहेलियों को सुलझाना है तो पूछाओ की बात जो की है पूछो तो जाने, तो ऐसी पहेलियों को सुलझाना इसीलिए हमारे दिमाग को भी और तेज करना है और सोचना है। तो मित्रों लिख कर लाना है।